किलपीट में उनका नाम आ रहा था एंड ये बहुत बड़ा जंप हो सकता है, ज्यादा जंप हो सकता है. विल दिस बी अ गुड जंप? यस इट वाज. इनक्रेडिबल सिनर्जी श्राइडर, दैट वाज अ गॉडली जंप. टीरवी यहाँ पे स्पॉट कर चुका है रॉक्स को. कैन ही डू वन वर्सेस थ्री? बैंडेजेस यहाँ पे पॉप करने का टाइम नहीं आपके पास, बिकॉज प्लेयर्स को रिवाइव करना इज शुड बी द प्रायोरिटी ओवर हियर. और सामने आतंकी जो आखिरी अकेले बचे थे, और सामने सेम सिचुएशन था. सिनर्जी के तीन प्लेयर थे. डैमेज की अगर हम बात करें 647 का, पांच किल्स यहाँ पे इस प्लेयर के. धीरे धीरे करके मार्चिंग करते हुए क्या आतंकी 31.5 मिनट तक ऑलरेडी हमारे वाला मैच जा चुका है. रॉक्स यहाँ पे राइट साइड से रोटेशन डालते हुए सीरवी अभी भी वेट कर रहे हैं हर जगह से. यहाँ पे क्या रन ओवर देख रहे हैं, यहाँ पे रॉक्स को लॉकडाउन कर दिए. एमजे सामने प्रोन डाउन है, सीरवी की थोड़ी भी यहाँ पे कमी हुआ था, लॉकडाउन कर दिए. एमजे इज द ओनली मैन स्टैंडिंग सामने. सीरवी क्या वाला क्लच निकाल पाएगा अपनी टीम के लिए? यस आई गेस, बिकॉज एमजे जाएंगे जोन से, बट सीरवी इज गेटिंग दैट वन वर्सेस फोर. चिकन ने सामने आखिरी सर्कल में डाउन किए जाएंगे मामी अकेले बच्चे पूरी पूरी फाइट के अंदर. मामी किस तरीके से फाइट ले पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर वीरू भी डाउन हो चुके हैं एंड वहां पर दलजीत भी फिनिश हो चुके हैं. मामी एक प्लेयर ग्रेनेड, वापस एक ग्रेनेड का पिन खोल दिया गया है. ग्रेनेड उनके हाथ में प्रॉपर, क्या एक ग्रेनेड से एरिया पर जाएगा? आई थिंक सो, बिकॉज ग्रेनेड वहां पर जाता है, एक प्लेयर को लेकर जाता हुआ ग्रेनेड मामी का. यहाँ पर वन वर्सेज वन का सिनेरियो मामी के अगेंस्ट. वापस सामने देखेंगे काफी लोयल दोनों प्लेयर्स की इस पर्टिकुलर टाइम. फिर से प्लेयर स्पॉट किया एंड वापस से फिनिश करेंगे, अपने प्लेयर को रिवाइव भी दे देंगे. और मार्कोस गेमिंग का सफाया होता है, ग्रेनेड किल मावी के पास आता हुआ. मावी इज एक्चुअली द मैन विद दैट गोल्डन हैंड. इंटैक्ट है सीरवी, अभी भी जस्ट बियरली सर्वाइविंग, बट ही विल बी टेकन डाउन स्लोली स्टेडली टाइम के साथ. और अब आती है 1v2 की फाइनल फाइट. यह 1v2 की फाइट, लास्ट टाइम सिनर्जी के प्लेयर जो अभी-अभी मरे हैं, सीरवी उन्होंने 1v3 निकाल था. क्या टेड सेम चीज रेप्लिकेट कर पाएंगे इस बार? नंबर्स थोड़ा बहुत फिर भी बैलेंस में है, बट नाउ वो जो एक फोकस फायर वाला फॉर्मेशन होता है वो टीम एक्सट्रीम के पास आ चुका है. अगर दोनों प्लेयर्स एक साथ टेड को स्पॉट कर लेते हैं या फिर एक प्लेयर फायर करनी शुरू करता है और वो हिट मार्कर मिल जाता है तो काफी एडवांटेज होगा. बट यहाँ पे काजी को डाउन किया जाएगा टेड द्वारा. टेड अभी भी प्रोन डाउन है, लास्ट प्लेयर को निकालने की कोशिश एंड ही डज इट क्वाइट ब्यूटीफुली. टीम एक्सट्रीम एलिमिनेट होती है और सिनर्जी एक बार फिर से उन क्लच मोमेंट्स में जो है चिकन डिनर में गोल्ड रिकॉर्ड एज वेल. यही पर है ये फाइट पूरे का पूरा चल रहा है. आप देखिए वहां से उनको प्लेयर्स दिख रहे हैं, बट ही स्टिल नॉट गोइंग फॉर इट. एंड दरवाजा खुलने की जो आवाज है दैट कुड हैव जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग. बट अब इस एरिया में एक रूम के अंदर सोल के जो दो प्लेयर्स हैं वो दिया बाहर निकलते हैं. रिकेट ऑफ द फाइट फर्स्ट एंगेजमेंट देने की शुरुआत करी एंड थोड़ी सी हेल्थ वाइपर की कम हुई है. पीछे आएंगे वापस रीलोड करेंगे अपनी हेल्थ मिलाने की कोशिश करें, बट चार प्लेयर्स आ रहे हैं इनके पास. चार प्लेयर्स जस्ट दरवाजे की दूसरी तरफ है एंड दरवाजा खोल दिया गया है, जस्ट एंट्री लेनी है एंड गोलियों की बौछार हो सकती है एक तरफ से. दूसरी तरफ से फनाटिक के प्लेयर्स अंदर घुस चुके हैं. रीलोड के पहला प्लेयर जाता हुआ वाइपर और रिकेट ऑफ दो प्लेयर्स को लेकर जा चुके हैं. दिस इज एक्चुअली चेंजिंग इट पास. तीसरा प्लेयर जाता हुआ वहां पर. Soul is doing wonders right now. आखिरी प्लेयर के ऊपर यहाँ पर numbers advantage पूरा का पूरा आ जाता है. Viper needs to put up a first ADP can and yes he is doing it. पूरा गेम एक सेकंड में बदल दिया यहाँ पर टीम सोल ने बहुत बेहतरीन तरीके से. क्या आखिरी प्लेयर को अब जाकर मारेंगे? Yes, they were like तुम हम पर आ रहे. Now we were ready for it. आखिरी प्लेयर को स्पॉट किया, बट आखिरी प्लेयर वहाँ पर लेकिन वन की फाइट पूरी बनती हुई. Will Panatti go down? Will it be Soul? Soul survive to see another day. Viper survive to see another day. Regaltox survive to see another day. अपना किल अपना दे बैठेंगे स्वैग को, बट फनाटिक यहाँ पे दे वांट टू गो ऑन 100% ऑन TSM एंटिटी. क्या ये वाली फाइट अपने नाम करेंगे? जोनाथन जस्ट राइट हैंड साइड पे अपना स्मोक के पीछे गॉट बना रहे थे, बट वहाँ पे एश को नॉट डाउन करा जोनाथन. वन वर्सेस वन फाइट में एश गॉट नॉट डाउन. क्या राइट हैंड साइड पे नॉट डाउन होंगे? बट वहाँ पे फ्रैंकी भी नॉट डाउन होते हैं. व्हाट जी गॉट वन सेवी निकाल के जाते हुए जोनाथन ने स्काउट को नॉट डाउन करा. जोनाथन ने स्काउट ओपी को पूरा फिनिश करा. फनाटिक होती हुई एलिमिनेट इस वाले पायदान से. नोवा यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर, बिकॉज एक अगर नॉक देखने को मिलता है MGZ का तो यहाँ पे पावर हाउस के प्लेयर्स के पास एक लाइसेंस मिल जाएगा. वो लोग यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे जहाँ पे एक बेटर डिप है, अच्छा कवर बना हुआ है वहाँ पे. एंड उसी के साथ यहाँ पे नोवा ने एक सबसे पहला ग्रेनेड यहाँ पे पूरा कुक करके फेंका. दो प्लेयर्स वहाँ पे नॉकडाउन हुए एंड यहाँ पे पावर हाउस के आइकॉनिक वहाँ पे सोनम जो की थर्ड पार्टी यहाँ पे देखने को मिला है, बट यहाँ पे एक ही ग्रेनेड के साथ नोवा किंग वन साइडेडली कंप्लीटिंग एंड फिनिशिंग MGZ. एंड आखिरी में बात करें डेस्ट्रो ने डिफरेंट एंगल वहां पे बनाया था, क्लच गॉड को नॉक एंड फिनिश करा, बट सामने से TSM एंटिटी जोनाथन का एक ट्रेड नॉक आया है जहां पे ओके डेस्ट्रो वहां पे रिवाइव दे रहे 420 ओपी को, बट यहां पे TSM एंटिटी के कुछ अलग ही डिसीजन मेकिंग है. बट उनको करना है यहां पे फर्स्ट घातक को यहां पे थोड़ा सा डैमेज दिया है डेस्ट्रो ने ही साबित किया. KKM भी देखते हैं यहां पे घातक आते हैं उनको यहां पे नॉकडाउन करा एंड फिनिश करा है. जोनाथन को भी यहां पे नॉकडाउन कर दिया, वन वर्सेस टू ऑलरेडी कर चुके हैं यहां पे. सेट गॉड को भी यहां पे फिनिश करते हुए डेस्ट्रो डूइंग वन वर्सेस
4 अगेंस्ट टीम TSM NTT. काफी सारा डैमेज पड़ता है जॉनथन की जैसे बात करें थी क्रॉस एज सेट था गॉडलाइक के ऊपर और गिल को डाउन कर देंगे बट इन द मीनवाइल जॉनथन भी डाउन हो जाएंगे और ओआर इसी मोमेंट का इंतजार करते हुए कैपिटलाइज करें बट टॉप प्लेयर ऑरेंज रॉक की तरफ से डाउन हो जाते हैं जी गॉड विद दैट गॉडलाइक स्प्रे ऑरेंज रॉक एक ही झटके में पूरी पास ही पलटती हुई और जी गॉड को लास्ट प्लेयर को बाहर निकाल लोगे जो कि दलजीत है ऑरेंज रॉक की तरफ से अकेले बचे एंड विद दैट ऑरेंज रॉक टेक्स एन एग्जिट एग्जिट डाउन टू अ 1v1 और कौन जीता उसमें हु गॉट द लास्ट पुट TSM एंटिटी गॉट एलिमिनेटेड गॉडलाइक The chicken dinner. What just happened? 19 skills they have a team ke paas hai. Did you see 1v4 that one yes. did out there? What? पानी का जरा सा भी एरिया नहीं है इस सर्कल में पैराशूट से मैं बोलने वाला फ्लाइट पार्ट से लेकिन काप्ची को पैराशूट से डाउन किया गया है यहाँ पर सेल्स के प्लेयर्स के द्वारा काफी ज्यादा बेहतरीन पैराशूट से डाउन किया जाना That was impressive. Circle के जस्ट बाहर यहाँ पर आतंकी जाएंगे जो उन्होंने नॉक किया है आप देखिए कितने जल्दी वो आगे जाकर कंफर्मेशन करना चाहते हैं This is the first parachute knock and finish ever in any of the tournament, I guess. फनाटिक की टीम वाटर के थ्रू स्विम करते हुए बिल्कुल ब्रिज के नीचे की ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए आ चुकी है सर्कल के अंदर और अब उनको TSM के प्लेयर से लड़ना पड़ेगा जो उनको आराम से कैंप कर सकते हैं बट यहाँ पे शॉट से होते जॉनथन के ऊपर आते हुए नहीं होते लास्ट मैन सर्वाइविंग प्लेयर फनाटिक के पानी में कूदेंगे बट जॉनथन इज गोना बी फिनिश्ड ऑफ एज वेल एंड विद दैट नियो फॉल्स डाउन TSM एंटिटी टेक्स एन एग्जिट एट वेल इधर वहां पर किल स्पीड में उनका नाम आ रहा था एंड ये बहुत बड़ा जंप हो सकता है जंप हो सकता है विल दिस बी अ गुड जंप यस इट वाज What? Incredible synergy strider that was a godly jump laws of physics there is something I'll tell you physics hoti hai This was neither any no force could actually just avert this. Orange day, I'm sorry. वो orange को भी finish off किया गया और high पे वो knock किया था. वहाँ पे finish भी मिलेगा but high की तरफ से गोल्डा वाइट के लिए बचे तो उनको finish off किया गया इस game के अंदर. Fnatic के ऊपर यहाँ पे charge in होता है. Power House की team यहाँ पे fight करने की कोशिश करती हुई. Dark ने वहाँ पे finish off किया players को. Obese और Scout अब अकेले बचे हैं इस situation के अंदर and we have to see क्या ये यहाँ से बाहर निकल पाएंगे या नहीं. बिल्कुल बट यहाँ पे 2v2 की सिचुएशन है ऊपर अगर हम देखें स्काउट और ओवेस बच्चे बट वहाँ पे मेगा स्टार्स यहाँ पे एलिमिनेट होते बिकॉज पैराडॉक्स वहाँ पे बाहर पाए गए होंगे और अभी हम बात करें यूमा वर्सेस MGZ हो रहा है हर जगह यहाँ पे स्लैमिंग देखने को मिल रही है 2v2 सिचुएशन आइकॉनिक डार्क ऊपर ओवेस और स्काउट यहाँ पे मावी यहाँ पे गनर को लॉकडाउन करते हुए यूमा स्पोर्ट्स यहाँ पे 11th प्लेस पे निकल के जाती हुई बट हम बात करें स्लैक्स ने यहाँ पे पैराडॉक्स को बाहर निकाला था मैक्स कश ने यहाँ पे 5 को फिनिश करा डिस्ट्रो यहाँ पे नॉकडाउन होते शैडो के द्वारा बट वहाँ पे MGZ 1 लेकिन वहां पर इल्यूजन सर का बेहतरीन ग्रेनेड आता हुआ अल्ट्रॉन को लेकर जाते हुए अब इल्यूजन सर एक मोलोटॉव करके एक ओपनिंग बनाना चाहेंगे अपने ताकि वो और आगे जा सके दोनों साइड मोलोटॉव किया जा चुका है अब अगर डेडाइज रश कर देती है काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है उनके लिए रश बट अभी भी वो रुके हुए एक 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 तरीके से बट अब रश कर चुके हैं स्टार्टिंग में राइट टीम भी देखेंगे यहां पर सेंट के प्लेयर्स एंड आतंकी के हाथ पर पूरा कंधों पर पूरा भार आ जाता है लेकिन वो संभाल नहीं पाएंगे और नॉक एंड फिनिशेस का पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा सेंट्स के आखिरी प्लेयर थे 1 HP थे अभी के लिए अपनी पोजीशन लगा चुके हैं रिवाइव भी दे रहे हैं पर धीरे धीरे जो नॉक है वो फिनिश किए जाएंगे एंड अब आगे मूवमेंट शुरू हो चुकी है सेंट्स के अल्ट्रॉन ने एक प्लेयर को नॉक किया था बट इस फाइट के अंदर सेंट्स का खात्मा हो जाएगा इट इज Jonathan's time. एक प्लेयर बचा है अगर Jonathan आ जाते हैं और वो आ चुके हैं किल फीड काफी अच्छे तरीके से रीड कर चुके हैं TSM Jonathan उनको पता है कि उनके आगे दो प्लेयर्स नॉक्ड है एक ही प्लेयर बचता है कॉज उनको अलाइव काउंटर पता है कि चार अलाइव तो उसमें से एक ही आदमी है और 1v1 की फाइट Jonathan के लिए कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है एंड अब फाइनल फाइट आ चुकी है Jonathan will be taking it.
बहुत बेहतरीन प्लेयर, गॉडली गेम प्ले अगर बोलूं तो वो भी यू नो